ये चक्कर नहीं खत्म हो रहे हैं। दवाओं से भी आपको आराम नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। तबीयत कैसी है आपकी? कुछ ज्यादा अच्छी नहीं। हैदर से कहो कि शाहिद ने जो दवा चक्करों के लिए दी उससे कोई अफाका नहीं हो रहा। हैदर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, अभी आते ही होंगे। आप इनको दवाई दे दीजिए अब तक। अरे देखो जाके जरा देखो तो सही। मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अच्छा बेटा, आपकी तबीयत कैसी है? ज्यादा ठीक नहीं है, मुझे लगता है दवा सूट नहीं कर रही। दिलनशीन नहीं है? दिलनशीन वॉशरूम में है, उल्टियां हो रही हैं उसे। क्या हुआ, खैरियत है? बस वॉमिटिंग हो रही है। बैठ जाओ। You're not eating well. Barbara, ORS वगैरह है तो ला दो। हैदर, बेटा ऐसा करो, जरा शाहिद को कॉल करो और उससे कहो क्लिनिक जाने से पहले यहाँ होता बजाए। जी अम्मी। ठीक हो जाए। हाँ शायद, कहाँ हो तुम? इतनी देर कर दी है आपने, शायद और ऐसे दे सकते हैं। हाँ दे सकते हैं। मैं तुम्हें भी टेस्ट लिख के दूंगा, तुम भाभी को लेकर जाओ और करवा कर आ जाओ। शाहिद बेटा, अब तुम हमसे भी पैसे बनाओगे? अरे क्या हो गया आंटी, आप सुबह सुबह मेरी क्लास क्यों ले रही हैं? भाई इसलिए कि ये तुम डॉक्टर्स जो इतने लंबे लंबे टेस्ट लिख के दे देते हो, अब चलो मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन मेरी जवान जहान बहू को इतने टेस्ट लिख के देने के बजाय साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आंटी मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आंटी बहुत बहुत मुबारक, आप दादी बनने वाली, टेस्ट तो सिर्फ कंफर्म करवाने के लिए। यू श्योर? यस, फिर भी तुम अपनी तसल्ली के लिए टेस्ट करवा लो। अच्छा भाई, टेस्ट की रिपोर्ट्स तो आती रहेंगी, लेकिन तुम वापसी में मिठाई जरूर लेकर आना, और हाँ सारा को भी बता देना। रुक जाएं जरा। नहीं आंटी, अभी उन्हें रहने दें, टेस्ट मेरी लेबोरेटरी में होगा, जैसी रिपोर्ट आएगी सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और हाँ याद रखिएगा, रिजल्ट वही आएगा जो मैंने अनाउंस किया। इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में ले जाओ, इसके टेस्ट और चेकअप वगैरह हो जाए तो अच्छा ही है। हिम्मत कर लो बेटा, जाओ हैदर के साथ। चले। और तुम वहां क्या खड़े हो, आके माँ को प्यार तो दो। चलो उठो दिलनशी। बी केयरफुल। Okay.